कोइलवर थाना क्षेत्र के पचरुखिया बालूघाट के समीप जमकर हुई फायरिंग। इस दौरान दो लोगों को गोली लग गई। इसमें इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान एक की मौत हो गई, जबकि गोली से जख्मी दूसरे घायल का इलाज छपरा में कराए जाने की सूचना है। मृत को गोली पेट और सीने के बीच लगी है। घटना का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पा रहा है। वैसे बालू उत्खनन से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार कोइलवर थाना क्षेत्र के राजपुर पचरुखिया गांव निवासी जवाहर राय के 42 वर्षीय पुत्र विजेंद्र राय है। वहीं जख्मी उसी गांव का गुड्डू राय बताया जा रहा है। वह एक मामले में आरोपित है। उसका इलाज छपरा में कराए जाने की सूचना है। परिजनों के मुताबिक विजेंद्र राय का सिमरिया गांव के बधार में खेत है। आज सुबह वे अपने खेत जोत रहे थे। इसी बीच बालू कारोबार से जुड़े लोग उनका विवाद हो गया। इसके बाद उन पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के दौरान एक गोली उनके सीने एक एवं एक पेट के बीचों बीच लगी। आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कोइलवर थाना अध्यक्ष कुंवर गुप्ता घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन करने में जुटे हुए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दुबे ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है। मृतक के भाई ने कुछ लोगों का नाम लिया है, उसके आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आज मेरा भाई गया था, कौन लाएगा बोलिए अभी? तो ये आप लोग थाना को सूचना दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं किया? कोई कार्रवाई नहीं, खाली थाना तो पैसा लेता है, पैसा लूटता है। पूरा कोइलवर बरहर आरा का डीएम से लेकर एसपी तक सब चोर है। अवैध खनन का सब लोग खनन के पूरा समर्थन दे रहा है, जा रहा है, कोई अथी हो नहीं, एकदम सरकार एकदम जंगल राज हो गया है। तो ये कितने पहले भी कुछ विवाद हुआ था क्या? वो बालू को लेकर के पहले कोई विवाद नहीं हुआ? फर्स्ट टाइम भैंस लेकर गए थे। ये जो विदेशी राय है आज से 5 साल से काट रहे हैं, बार बार उनका मर्डर भी चल रहा है, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई हाल नहीं है। प्रशासन के पास 20 लाख दे दे रहे हैं, एसपी तक सब वही हाल है यहाँ का। इनको गोली मारने में कौन अहम भूमिका में कौन लोग है वहाँ पर सब विदेशी के भाई थे, लौटन थे, और 5-6 जो मुख सब बांधे हुए थे। 200 आदमी का गज था वहाँ पर, पूरा सिमरिया गांव का था, हथियार उसे और बहुत सारा था।